औरैया में स्वास्थ्य विभाग ने मचाई लूट और प्राइवेट अस्पतालों पर छापेमारी से वसूली करते थे मोटी रिश्वत लेकर नोडल अधिकारी से लाइसेंस मिलता था 30,000 रुपए दो या फिर कर दो प्रैक्टिस बंद। स्वास्थ्य विभाग कर्मी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। नोडल अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा पर वसूली के आरोप है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। रिश्वत लेते और नोडल अधिकारी से बात कराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। तो खबर अब बड़ी आपको बता रहे हैं जहां औरैया के स्वास्थ्य विभाग ने लूट मचाई है और क्या ऑडियो वायरल हुआ है सबसे पहले सुनिए। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अश्विनी वाजपेयी जुड़ गए। अश्विनी, पूरा मामला क्या है, क्या ऑडियो वायरल हुआ और किस तरह से इस पर कार्रवाई? जी, ये मैं बताना चाहूंगा। ये पूरा मामला बिधूना तहसील क्षेत्र का है, जहां पर अरवा कटरा कस्बे में एक संचालित प्राइवेट अस्पताल पर पहले नोडल अधिकारी के द्वारा छापेमारी की जाती है, जिस पर शासन के द्वारा उनको ताली मिलती है और वाहवाही मिलती है। वही ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इससे नोडल अधिकारी के द्वारा छापेमारी जो की जाती है उसका असली स्तर सामने आया है। इस वीडियो में मातहत के माध्यम से नोडल अधिकारी जहां रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं, वही मातहत के द्वारा रिश्वत लेने के बाद अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने और जनता को लूटने और पाटने का लाइसेंस दिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल वायरल वीडियो के सामने आ जाने के बाद अभी तक प्रशासनिक कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आ रही है, ना ही प्रशासनिक कोई बात सामने आई है। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें। और अगली खबर नोएडा से, जहां बाइक बोट घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर, ईडी मुख्यालय से ट्रांसफर की गई जांच।